तो मोदी जी का डंका बजने से कोई मतलब नहीं है, डंका देश का बजना चाहिए। और अगर एक तरफा मोदी जी का डंका बज रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, तो मोदी जी इसका मतलब है देशद्रोही आदमी होते। मोदी जी का डंका बज रहा है, देश का डंका नहीं बजाया। देश का 4,4100 करोड़ रुपए डूब गए। विश्वगुरु हवन और ये धूप अगरबत्ती से विश्वगुरु नहीं बनता है। आप वहाँ नींबू और मिर्ची लगाने से राफेल पे विश्वगुरु नहीं बनता है। खिलाड़ियों का चयन ज्योतिष कर रहे हैं। तो आप बताइए कि जो खिलाड़ी खेलने प्रदर्शन से अपना चयनित होगा या ज्योतिष जो बताएगा उससे चयनित होगा। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले इंडिया वर्सेस एनडीए में भारी टकराव देखने को मिल रहा है, उसी के बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है ब्रजेश जी मौजूद है, जो कि पेशे से वकील हैं। तो जाने सर कि इंडिया या एनडीए कौन किस पर भारी है? इंडिया हमेशा एनडीए पे या किसी भी दल पे भारी रहेगा। इंडिया जो है 134 करोड़ 140 करोड़ लोगों से मिलकर बनता है, तो एनडीए कभी भी इंडिया की बराबरी नहीं कर सकता। एनडीए चाहे जितना रंग बदल ले, उसके बावजूद भी इंडिया उससे हमेशा आगे रहेगा और इंडिया ही 2024 का चुनाव जीतेगा। कैसे, मतलब पूरे भारत भर में लहर जो है मोदी जी की लहर है, अब मोदी जी के बाद तो योगी जी भी ऊपर आ चुके हैं। ये लहर मीडिया की बनाई हुई लहर थी जो 2014-2013 से शुरुआत हुई थी, लेकिन 2021-22 आते 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 मोदी लहर बिल्कुल शांत हो चुकी है। लोग मोदी जी के खोखले वादों को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि इनका जितने भी वादे रहते हैं ये सब मीडिया मैनेजमेंट है, सब कुछ ये सिस्टम है। और हमारे साथ लगातार धोखा किया जा रहा है, हमारे खाने पर टैक्स लगाया जा रहा है, हमारे आटे पर टैक्स लगाया जा रहा है, चावल पर टैक्स लगाया जा रहा है, वाशरूम में जो क्लीनर यूज़ करते हैं उस पर टैक्स लगाया जा रहा है, साबुन पर टैक्स लगाया जा रहा है, कपड़ों पर टैक्स लगाया जा रहा है, कलम पर टैक्स लगाया जा रहा है, किताबों पर टैक्स लगाया जा रहा है। तो ये जो मोदी लहर थी, मोदी लहर 14 में शुरुआत हुई थी जरूर, लेकिन 21 तक आते आते मोदी लहर शांत हो चुकी है, क्योंकि लोगों को मोदी की यथार्थ सच्चाई से पता चल चुका कि मोदी जो है टोटल क्या है, सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट थ्रू वन वे कम्युनिकेशन करते हैं, ना कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना कभी वो खुद मीडिया के सामने आते हैं, मीडिया को बोल देते हैं या स्क्रिप्ट लिख देते हैं कि आप जाओ इस पर डिबेट करो, आप इसे बहस करो, और हर हालत में घूम फिर के 140 करोड़ के लोगों में डिवाइड एंड रूल के पॉलिटिक्स अपनाते हैं कि ऐसा सेक्शन बनाओ जो कुछ लोग हिंदू दिखें और कुछ लोग मुसलमान दिखें। और इसी को पूरे दुनिया भर में, पूरे देश भर में दिखाया जा रहा है, और इसी के थ्रू मोदी जी चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन ये ज़्यादा होगा नहीं, 24 के चुनाव में मोदी जी बुरी तरीके से हारेंगे, क्योंकि दो टर्म मिल चुका है, इनकम्बेंसी फैक्टर है, जो पिछले दस सालों में जो करोड़ों युवक जो बेरोजगार हुए हैं, वो 14 में मोदी जी से उम्मीद रख के मोदी जी को वोट दिया था, 19 में भी वोट दिया था कि अब देंगे, लेकिन उन बेरोजगार युवकों को कोई रोजगार नहीं मिला, कोई नौकरी नहीं मिली। तो इससे एक चीज़ स्पष्ट हो गई है कि मोदी जी पे अब जनता ज़्यादा दिन विश्वास नहीं करने वाली है, और 24 में इंडिया गठबंधन जीतेगी और मोदी जी का एनडीए गठबंधन। हालांकि एनडीए कभी था नहीं, मोदी वन मैन आर्मी जैसे काम करते हैं, पार्टी में किसी और का कोई वजूद नहीं होता है। तो वो जो है मोदी का एकला चलो अभियान बिल्कुल बुरी तरीके से हारेगा, और जो उनके साथ छोटे मोटे दल अभी जो जुड़ रहे हैं पैसे के लालच में या 1-2-4 सीटों के लालच में, उनका भी धीरे धीरे वजूद खत्म होगा, क्योंकि जातीय गठजोड़ बना के, जातीय 2-4-10 अपने जातियों को इकट्ठा करके 500 लोगों को ले जाके, 5,000 लोगों को ले जाके आप वोट की जो बार्गेनिंग करते हैं, सीट की बार्गेनिंग करते हैं, वो जाति के लोग भी उनको पहचानने लग गए, और मोदी जी बुरी तरीके से हारेंगे। 24 लग रहा है कि G20 के जो अभी सम्मेलन हुआ है उसमें पूरे विश्व लेवल पर मोदी जी का डंका बजा है, पूरे विश्व स्तर पर, उसके बाद आप ये कहाँ से उम्मीद रख रहे हैं कि एनडीए हार के इंडिया जीत? बिल्कुल मोदी जी का डंका बजा है, 100% डंका, बट मोदी जी का डंका बजा है, देश का डंका नहीं बजा है। देश का 4,4100 करोड़ रुपए डूब गए, जो एक आम जनता के टैक्स के पैसे थे, जो 900 करोड़ बजट में अलॉट हुआ था, वो 900 करोड़ बट के 4,100 करोड़ हो गए, वो सिर्फ मोदी की इमेज मेकिंग हुई है। लेकिन किस देश, एक प्रधान, एक व्यक्ति से बहुत बड़ा होता है, एक व्यक्ति के इमेज बनाने में देश के 4,000-5,000 करोड़ रुपए बर्बाद करना कोई फायदा नहीं है। और अगर हमारा डंका बज रहा होता देश में, दुनिया में डंका बज रहा होता, तो डंका बजने का मतलब विदेश नीति, विदेश नीति में हमारी वीजा कितनी स्ट्रांग हुई, कितने देश हमारे वीजा फ्री कर रहे हैं हमारे देश के लोगों को, हमारे देश के लोग कितने लोग इंपोर्ट करने को तैयार है रोजगार जॉब देने के लिए। अभी आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया में विरोध हुआ है अडानी अंबानी कंपनियों का, अमेरिका में भी अभी वहाँ भी जो है मनुवाद और अंबेडकरवाद की लड़ाई चल रही है, और वहाँ भी बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो बिल्कुल मोदी को पसंद नहीं करते, बिल्कुल भी भारतीय लोगों को पसंद नहीं करते, वो हेट करते हैं। तो मोदी जी का डंका बजने से कोई मतलब नहीं है, डंका देश का बजना चाहिए। और अगर एक तरफा मोदी जी का डंका बज रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, तो मोदी जी इसका मतलब है देशद्रोही आदमी होते एक तरीके से। लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी तो देश को जो है अब विश्वगुरु बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है, 24 में मोदी जी आएंगे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, संविधान खतरे में। विश्वगुरु मोदी जी जरूर बनाएंगे, जब मोदी जी खुद पढ़े लिखे नहीं है तो दुनिया को अपने सामने प्रोजेक्ट करेंगे कि मैं विश्वगुरु हूँ। विश्वगुरु होने का मतलब है आपके देश की आबादी की साक्षरता अभियान, साक्षरता लेवल क्या है, आपके देश के कितने % लोग साक्षर है, आपने कितने युवाओं को बराबरी का मौका दिया, आपने कितने युवाओं को जो आपके शिक्षक हैं जो दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, कितने जो आपके बच्चे हैं जो दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज में जॉब पा रहे हैं, क्या कोई ऐसा रिपोर्ट है? कुछ रिपोर्ट नहीं है। विश्वगुरु
हवन और ये धूप अगरबत्ती से विश्वगुरु नहीं बनता है। आप वहाँ नींबू और मिर्ची लगाने से घर राफेल पे विश्वगुरु नहीं बनता है। विश्वगुरु बनने का मतलब है कि आपके नागरिक कितने सक्षम हैं, आपके नागरिकों के पास कितने रोजगार हैं, आपके नागरिकों के पास कितने अवसर हैं, कितने खुशहाल हैं। जीवन प्रत्याशा इंडेक्स HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपके नागरिक का क्या स्थान है, आपके देश का क्या स्थान है, मीडिया के फ्रीडम में क्या स्थान है। 142वें स्थान पर आपकी मीडिया है, हर बार घट के 144वें पर चली जाती है। आप वहाँ से पीछे जा रहे हैं और हवा बांधने का विश्वगुरु बना रहे हैं। किस मामले में विश्वगुरु बना? चांद पर भेज दिया है मोदी जी ने। बिल्कुल चांद पर भेज दिया, इसे मोदी जी ने भेजा। हमारे साइंटिस्टों का बहुत बड़ा योगदान है और हमारे वैज्ञानिकों ने इसके लिए अथक प्रयास करा, उस स्थिति में भी प्रयास किया जब मोदी सरकार ने वैज्ञानिकों के लिए जो चंद्रयान मिशन था, चंद्रयान मिशन के प्रोजेक्ट पर जो फंड अलॉट होना था उसको भी कम करा। आपने न्यूज में सुनी होगी कि बहुत सारे ऐसे जो साइंटिस्ट हैं उनको सैलरी नहीं दी गई उनको, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 600 करोड़ में इतना मिनिमम में चंद्रयान को सक्सेसफुली लॉन्च करके पूरे दुनिया को दिखाया कि हमारे पास बजट भले कम है लेकिन हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास दिमाग है, हम मेहनती लोग हैं। तो हमारे वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं, उन सबको हम मतलब बधाई देते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन मोदी जी का इसमें कोई रोल नहीं है। मोदी जी ने तो पूरी तरीके से इसको पाखंड में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। अगर चंद्रयान भी जाएगा तो चंद्रयान में वो नींबू और मिर्ची बांध देंगे। उनका सिस्टम है नींबू और मिर्ची बांध दो ताकि दुनिया मूर्ख बने। नींबू और मिर्ची बांधने से क्या होता है? नींबू मिर्च बनने से होता है कि जनता में पाखंड अंधविश्वास प्रमोट होता है। भावनाएं किसी की नहीं आती होगी। जो शिक्षित होगा, जो समझदार होगा, उसे पता है कि नींबू मिर्ची बांधने से सिर्फ क्या होता है, नींबू मिर्च बांधने से पाखंड प्रमोट होता है। इससे आम जनता, गरीब जनता, जो लोअर क्लास है, जिसको समझ नहीं है, वो आसानी से लूटा जा सकता है, उसको दिखाया जा सकता है। अभी एक रिपोर्ट में बता रहा हूँ मोदी जी का प्रमोशन का, कि अभी जो एशिया कप जो होने वाला है फुटबॉल का, फुटबॉल के एशिया कप में एक रिपोर्ट आई थी इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें यह बताया गया कि खिलाड़ियों का चयन ज्योतिष कर रहे हैं। तो अब बताइए कि जो खिलाड़ी खेलने प्रदर्शन से अपना चयनित होगा या ज्योतिष जो बताएगा उससे चयनित होगा। तो आज ये जो सिस्टम लाया जा रहा है, यही सिस्टम तो हजारों साल पहले भी था जब देश गुलाम था। देश गुलाम किससे हुआ? ऐसे लोगों से हुआ, पखंडियों से हुआ, ढोंगियों से हुआ। अभी जो राजद के अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है बिहार में, उन्होंने ये बातें कही कि जो देश गुलाम हुआ था वो टिकाधारियों की वजह से हुआ था। टिकाधारी कहने का मतलब उन्होंने किसी जाति पर अटैक नहीं किया, किसी धर्म पर अटैक नहीं किया, उन लोगों पर किया जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं बिना ज्ञान के। मिर्ची को टांग के राफेल में, नींबू को टांग के राफेल में, वो साबित करना चाहते हैं कि राफेल मिर्ची और नींबू से चलता है। राफेल मिर्ची और नींबू से नहीं चलता है, वो हाईटेक से चलता है, हाई लेवल की टेक्नोलॉजी से चलता है। तो ये जो पाखंड प्रमोट कर रहे हैं, ये पाखंड देश के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, आम जनता के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है। क्योंकि सबसे अधिक पाखंड से किसी का नुकसान होता है तो गरीब का होता है। सबसे अधिक पाखंड में कोई मरता है तो गरीब बच्चे मरते हैं। सबसे अधिक कोई मरता है तो गरीब की बलिदानी होती है। आप इतना नहीं सुनेंगे, अभी सुना होगा आपने, ज्यादा नहीं 2-3 साल पहले की बुराड़ी की घटना है कि 7 परिवार पाखंड के चक्कर में अपने आप को फांसी लगा लिया, मर गया, क्योंकि उसे किसी बाबा ने बता दी कि तुम ऐसे बलि दोगे तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे परिवार का कल्याण हो जाएगा। तो ये पाखंड पूरे देश के खिलाफ है और पूरे आम जनता के खिलाफ है। तो आप एक तरफ बोल रहे हैं मतलब कि मोदी जी आएंगे नहीं 2024 में, दूसरी तरफ पूरा एक तरफ पूरा दल एकत्रित हो रखा है कि मोदी की लहर है 24 में, तो किस तरह से किस लेवल पर आपकी तैयारियां हैं कि एनडीए को हराना है, इंडिया को लाना है? इंडिया का नाम भी हटा रहे हैं अब तो, भारत रखा जा रहा है पूरा नाम। इंडिया का नाम भारत रखा जा रहा है ना, इंडिया भारत है ही, इंडिया दैट इज भारत, मतलब इंडिया ही भारत है। मोदी जी के समर्थक बोल रहे हैं कि इंडिया तो मतलब अंग्रेजों की देन है, उनकी देन है। नहीं, अंग्रेजों की देन नहीं है, अंग्रेजों की देन अगर इंडिया होती ठीक है तो अंग्रेजों का देन तो सब कुछ फिर मोदी जी हैं। RSS इतनी बड़ी संगठन, वो हमेशा से आप जो अंग्रेजों के साथ रही है, तो फिर इसका कोई लॉजिक नहीं है। क्रिकेट इस देश में इतने बड़े स्केल पर खेला जाता है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है क्रिकेट की, BCCI है, BCCI अनाउंस कर दे कि हम क्रिकेट आज से नहीं खेलेंगे क्योंकि क्रिकेट अंग्रेजों ने शुरू करा था। तो ये सब टोटल पाखंड है, जनता को, आम जनता को महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सब मुद्दों से भटकाने का एक प्रयास है और ये टोटली गलत है, क्योंकि इसमें देश की जनता का टैक्स का पैसा जाता है। एक एस्टीमेट के मुताबिक सिर्फ इंडिया, भारत से, भारत को इंडिया नाम चेंज करने में सिस्टम से कम 14 से 18 हजार करोड़ रुपए आएंगे। 18 हजार करोड़ का क्या मतलब है? आप उसके लिए आप आटे पर टैक्स लगाओगे, आप उसके लिए गरीब के रोटी पर टैक्स लगाओगे, गरीब के कपड़ों पर टैक्स लगाओगे, गरीब के 50 रुपए के सैंडल पर टैक्स लगाओगे, जूतों पर टैक्स लगाओगे। तो ये जो गरीब को लूट रहे हो आप इनडायरेक्टली, पेट्रोल पर टैक्स लगाओगे, तो ये टैक्स लगा के सिर्फ और सिर्फ अपना, इसलिए कि विपक्ष ने इंडिया नाम रख लिया अपने गठबंधन का, तो इंडिया नाम बदलेंगे। ये सरासर देश के साथ गद्दारी है, देश के साथ धोखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिया नाम रखा है, आपने भी तो भारतीय जनता पार्टी रखा है नाम, आपको तो किसी ने नहीं कहा कि हाँ भारतीय जनता पार्टी क्यों रखा। अब छोड़ो भारतीय जनता पार्टी, छोड़ो, आपने तो देश का चुनाव चिन्ह जो कमल है, कमल रख लिया। कांग्रेस अगर इतना ही नफरत की राजनीति करती तो कांग्रेस को उसी समय जब इसको भारतीय जनता पार्टी को कमल चुनाव चिन्ह मिल रहा था तब ये अपोज करना चाहिए था, और ऐसे भी अपोज कर सकते हैं। हम भी अगर इसे इस तरीके से लड़ाई लड़े तो PIL फाइल कर सकते हैं कि कमल देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय फूल है, राष्ट्रीय फूल को देश का किसी मतलब किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह कैसे बनाया जा सकता है। तो ये बिल्कुल निरर्थक बातें हैं और ये तरीके से प्रयास करना मोदी जी का देश को गुमराह
करने का है और देश की जनता धीरे धीरे इस बात को समझने लग गई है। संविधान खतरे में है, बोला जा रहा है संविधान को बदला जाए, आप पेशे से वकील हैं तो कैसे देखते हैं कि इसकी लड़ाई कैसे शुरू करनी चाहिए, संविधान कैसे बचाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, ये इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में इसको समझने के लिए जो आम जनता है उसको बहुत गहराइयों तक जाना पड़ेगा संविधान कैसे खतरे में है। ये जो भारत नाम है, इंडिया दैट इज भारत जो बता रहे हैं आप, तो ये संविधान के आर्टिकल 1 में है। अब आर्टिकल 1 के बदलाव करेंगे आप, धीरे धीरे इतने आर्टिकल्स आपने ऑलरेडी बदल रखे हैं, तो इस तरीके से ये जो चीज़ बढ़ती जाएगी आम जनता के बीच, संविधान को जब मर्जी तब हम चेंज कर सकते हैं, तो आम जनता धीरे 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 सोचेगी कि कुछ नहीं हो रहा है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है। लेकिन ये लार्ज स्केल पर एक समय ऐसा आएगा कि जब संविधान में जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स 13 से लेके 32-33 तक खास करके, इन्हीं पे टारगेट होगा, संविधान बदलने का मतलब होगा इन राइट्स को, जिसमें आर्टिकल 17 है जो अनटचेबिलिटी की बात करता है, आर्टिकल 18 है इन सारे आर्टिकल्स को जो अबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करते हैं दोनों आर्टिकल, तो इन दोनों आर्टिकल्स पे फोकस किया जाएगा और फिर से अनटचेबिलिटी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ये साधु बाबा लोग जो हैं यही प्रयास कर रहे हैं। अभी एक रिसेंट में देखा होगा तमिलनाडु वाले न्यूज में भी कि बाबा 10-10 करोड़ की घोषणा कर रहे हैं, बाबा 2 फीट की तलवार लेके किसी के प्रतीकात्मक फोटो का हत्या कर रहे हैं, तो तलवार लेके क्या दिखा रहे हैं आम जनता को, जो अनपढ़ है, जो धर्मों में अंधविश्वास करती है, बिल्कुल वो धर्म को समझती नहीं है, धर्म को बस फॉलो करती है कि धर्म में किसी बाबा ने मेरे को कह दिया कि तुम अपने घर के किसी बच्चे की बलि दे दे, तो वो बच्चे बलि देने को तैयार हो जाते हैं। तो आप लोग उनके धर्मों पर निशाना साध रहे हैं, सीधा धर्मों पर निशाना साध रहे हैं, सनातन धर्म खत्म करने, पखंड पे धर्म निशाना साध रहा हूं मैं, धर्म पे निशाना बिल्कुल नहीं साधता, मैं पखंड पे निशाना साधता हूं, चाहे वो जिस पखंड जिस धर्म में भी हो, हिंदू में हो, मुस्लिम में हो, सिख में हो, ईसाई में हो, सब में पखंड है। लेकिन लार्ज स्केल पे चूंकि हम हिंदू धर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, हम तो हिंदू धर्म के होने के नाते हमें अपने घर में सुधार करना है, हम पड़ोसी के घर में पहले सुधार नहीं कर सकते हैं। हमारे बच्चे अगर बिगड़ रहे हैं, हमारे बच्चे अगर गलत कर रहे हैं, तो पहले हम अपने बच्चों को सुधारेंगे ताकि हमारे बच्चे भविष्य बने। तो हम उसी तरीके से हिंदू धर्म का जब पखंड है उस पर अटैक कर रहे हैं, और ये अटैक लगातार होना चाहिए, चाहे वो कितना भी बीजेपी विरोध कर ले, कितना भी विपक्ष कर ले, कितना भी देशद्रोही सनातन विरोधी फलाना ढिमाका कर ले, लेकिन जो पखंड है पखंड का विरोध लगातार होना चाहिए, और मैं इस विरोध का समर्थन करूंगा कि हाँ इस विरोध, ये विरोध होना चाहिए। जान का खतरा नहीं है आप लोगों को, आपके लिए भी विरोधी आ सकती है? कोई जान का खतरा नहीं है, कोई इतना मूर्ख नहीं है। और अगर एक गंवार आके, एक बेवकूफ टाइप आदमी आके जो भक्त हुआ जिसको ज्ञान नहीं है, वो मार भी दिया मेरे को, तो मैं उसको माफ करूंगा? महात्मा गांधी ने भी तो नाथुराम गोडसे को माफ कर दिया मरते समय कि भाई जाओ तूने मार दी, तूने मेरे को समझा नहीं। महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी मरते समय भी हे राम कह रहे हैं, जो महात्मा गांधी इवन धर्म को जोड़ने के लिए, हिंदू धर्म के लिए उन्होंने कुछ हद तक बाबा साहब के साथ नाइंसाफी करी, दलितों के साथ नाइंसाफी करी, भले अनटचेबल्स के लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन एक बार भूख हड़ताल अनटचेबल्स के लिए, अनटचेबिलिटी के खिलाफ नहीं करी। तो धर्म के इतने बड़े व्यक्ति को, इतना बड़ा रिप्रेजेंटेटिव जिसको पूरा दुनिया ने देखा, उसको जब इन पाखंडियों ने मार दिया, ठीक है, तो हमें कोई अगर आम आदमी मार देता तो कोई बड़ी बात नहीं है, मार दे। बट फर्क इतना ही है कि मरते समय भी हम साइंस के लिए लड़ेंगे, और मरते समय भी हम पखंड के लिए लड़ेंगे, मरते समय हम धर्म के लिए लड़ेंगे।